हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेड चिल्ली का अचार। तो उसके लिए हमने करीब 4 किलो रेड चिल्लीज ली थी और उसको हम वॉश कर लेंगे। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद हम उसमें रूम में ही इसको फैला लेंगे ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाए। हमें बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं चाहिए है। ये पूरा ड्राई हो चुका है और जो ये ऊपर का ग्रीन जो पार्ट होता है उसको सारा निकाल लेना है, वो हमें नहीं चाहिए। अब पीसने में इजी होगा, इसको छोटा छोटा सा चॉप कर लें और जो ग्रीन चिल्ली के साथ जो पीस रहते हैं उसके साथ ही ये गार्लिक 250 ग्राम्स करीब छिला हुआ उसको ऐड करके रेड चिलीज को सारा डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें बिल्कुल भी वाटर या कुछ भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे ही पेस्ट बनाना है। ये देखें सारा पेस्ट बन गया है। ये सारा पेस्ट तैयार हो गया। अब करीब हमने 1 किलो इमली ले ली है और जो पेस्ट है उसको ऐड करते करते इमली को भी अच्छे तरीके से पीस लेंगे। मिर्ची को ऐड करके इजली ग्रेंड होगा इमली, इसलिए। अब इसमें हमने ऐड किया है 50 ग्राम हल्दी, अब इसमें ऐड करेंगे हम क्यूमिन पाउडर करीब 100 ग्राम और ये है मेथी का पाउडर 50 ग्राम। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट करीब 500 ग्राम। नमक बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब इस सारे मसाला को रेड चिली पेस्ट के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और जो हमने रेड चिल्ली का पेस्ट बना के रखा था वो भी उसमें ऐड करके सारा मसाला को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें मसाला मिक्स होने के बाद इसका कलर कितना चेंज हो गया है। पहले रेड टाइप का था, अब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो गया है। इसको सारा एक जार में निकाल लें और पूरा जार में निकालने के बाद अब हमें इसे धूप में रखना है। अब 10 दिनों के बाद धूप में देखें थोड़ा सा ये वाटर वाटर रिमूव हो गया है। अब हम इसे जब भी हमें जितना भी खाना हो थोड़ा सा निकाल के उसको हम तड़का देना है। तो 50 ml ऑयल ले लिया, उसमें हम थोड़ा सा तड़का डालेंगे जिसमें मस्टर्ड, क्यूमिन और दाल और चना दाल था और करी लीव्स उसको ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग, करीब 10 ग्राम हींग ऐड किया है। अब इसमें ऐड करना है हल्दी 1 चम्मच और हल्दी पकने के बाद देखें हल्दी पक गई है। इसमें पेस्ट ऐड कर लेंगे जितना आपको चाहिए है, जितना आपको खाना है। इसको भी अब आप स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको खाना हो ऐसे फ्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं इसे और वो जो है उसको हम सालों साल स्टोर कर सकते हैं, जो पेस्ट हमने जो धूप में रखा था। लेकिन सारा जो ऑयल है एक्सेसिव ऑयल है मिक्स हो गया है और ऊपर आ गया है, आपको दिख रहा होगा। ये देखें 10 मिनट के बाद एकदम कंसिस्टेंसी इसकी थिकन हो गई है। बस हमारा अचार तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पे आप ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।